1 2 3 4। आज हम जिस टॉपिक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक प्राचीन भारत का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानवीय सभ्यता के विकास के क्रम में पाषाण काल की विभिन्न अवस्थाओं से लगाकर ताम्रपाषाण, कांस्य युग, लोह युग और तत्पश्चात प्रथम ऐतिहासिक युग अर्थात 600 ईसा पूर्व का समय भारतीय इतिहास में प्रारंभ होता है। हम जिस समय के बारे में पढ़ते हैं, मानव का मूलतः मानव ने जब सभ्यता प्रारंभ की या मानव का जब आविर्भाव हुआ और उसके द्वारा किए गए कार्य से जब सभ्यता का प्रारंभ हुआ तो वह मूलतः नदी घाटियों में या पर्वतों की कतराओं में, नदियों के किनारे, पर्वतों के किनारे हुए। धीरे धीरे इंसान की तकनीकी उन्नत होती गई, मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजार, उसके द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियाँ, उसके द्वारा अपने रहन सहन को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य, जैसे आर्थिक कार्य, कृषि कार्य या फिर शिकार का कार्य या फिर उसके द्वारा बनाए जाने वाले कुंभकारी के बर्तन, इन्हीं के आधार पर हम इतिहास को विभिन्न क्रमों में बांटते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में आज से लगभग 4000 साल पूर्व, आज से लगभग 5000 साल पूर्व अर्थात 3000 या 2700 ईसा पूर्व एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसको उसके प्रथम ज्ञात स्थान अर्थात जहाँ पे उसकी प्रथम बार जॉन मार्शल द्वारा पता लगाया गया हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, उसके नाम पर जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उदय आज से 2700 ईसा पूर्व उससे पूर्व बचे हुए गांवों जैसे कोट डीजी, कालीबंगन इत्यादि ग्रामीण आधार पर उसका आविर्भाव हुआ था। इसके प्रमुख 7 शहर थे। उन 7 शहर, ये एक शहरी सभ्यता थी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि शहरी सभ्यता कहने का अर्थ होता है ये एक निश्चित प्रकार के विकास का परिचय देती थी, ये ग्रामीण सभ्यता से उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ था। और यह इसके पास एक शहर तभी बसता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में किसी भी प्रकार का एक आर्थिक, कृषि या किसी भी तरह नगरीय बसावट का आधार हो। तो हड़प्पा सभ्यता के 7 प्रमुख नगर थे जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, बनावली, लोथल, जनहुदड़ो प्रमुख थे। इन नगरों का विकास प्राय नदी घाटियों के किनारे हुए। इनकी प्रमुख आर्थिक गतिविधि व्यापार वाणिज्य था, क्योंकि हड़प्पा में पाए गए लगभग सभी जितनी भी वस्तुएं पाई गई है उनका सबका संबंध व्यापार से है। समाज का वर्गीकरण उस आधार पर या उस तरीके से नहीं हो पाया था जैसा कि हम लोह युग में देखते हैं। इनमें लाए जाने वाले प्रयोग में लाए जाने वाली मुख्य धातु कांसा थी, क्योंकि कांसा तांबे और ईंट को मिलाकर बनता है, अतः इस सभ्यता को कांसे युग के नाम से जाना गया। तांबा खेतड़ी से प्राप्त होता था। इनका व्यापार उत्तर पश्चिमी मकरान तट के सारे जो बलूचिस्तान में है, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया के विभिन्न राज्यों के साथ था। गोमेद, गौमूल्य पत्थर, हीरेरा आदि का ये निर्यात करते थे। वही सिंधु सभ्यता के शहर सुदूर गांवों से अपने लिए अनाज आदि का आयात करते थे। लगभग 1800 ईसा पूर्व के पास आते आते इस सभ्यता का नाश हो गया, जिसके लिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं, जिसमें एक सिद्धांत आर्यों के द्वारा किए गए आक्रमण का है जिसे जॉन मार्शल ने दिया था और वीलर ने दिया था, यद्यपि इसका अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है। 1800 से आते आते हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगर विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए और उनमें रहने वाले लोगों ने अपने शहरों को छोड़ दिया तथा वो गाँवों में रहने, जिसे उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात और राजस्थान के कई भागों में पाई जाती है।